गुड मॉर्निंग गाइस, आज दो नवंबर नंबर शनिचर का दिन, सुबह के बज रहे हैं 11:30। हमारा सेकेंड डे, अभी हम रेडी हो चुके हैं। शोराब रेडी होने जा रहा है, बाकी दो लोग हैं रेडी हो रहे हैं। हाँ भाई, ये एक ड्रॉबैक है कि विदाउट प्लानिंग करेंगे तो ऐसा होगा। हम लोग सुबह पहुँचे, 4 बजे चेक इन किए, 4 बजे सुबह चेक इन किए, तो अभी तक ना हमारा ब्रेकफास्ट हुआ है ना ज़्यारत हुई है। 12:30 बज गया है, अब यहाँ से हम चेकआउट कर रहे हैं। नीचे जाएंगे, फिर देखते हैं ब्रेकफास्ट का, उसके बाद फिर ज़्यारत। हाँ यार, अब एक्चुअली क्या है, लास्ट मोमेंट पे हम ले रहे हो अभी रात में एकदम, तो पता था। 500 रुपये वाला रूम भी हमको 1800 रुपया पड़ा। इनका कैफेटेरिया भी बना हुआ है एक छोटा सा। अब कुछ समझ में भी आ रहा है सौरभ, रात में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ है भाई, ऐसा लग रहा था जंगल में है हम लोग। अरे अपनी गाड़ी, ये था होटल, होटल निसर्ग लॉजिंग, यहाँ पे रुके थे हम लोग। सुबह 4 बजे चेक इन किए थे, अभी 12:30 हो रहा है, चेकआउट किए हैं। 1800 रुपया चार लोगों का लगा है। नहीं, अभी बात कर बिस्मिल्ला होटल खुलताबाद औरंगाबाद में, हम यहाँ लंच के लिए रुके हैं। ब्रेकफास्ट कम लंच हुआ है क्योंकि बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। ये शाही गोश्त और ये हमारी तंदूरी रोटी, ये आ चुका है। हाँ, सलाद में चालू है, देखते हैं कैसा है टेस्ट। ये नूरी गेस्ट हाउस का रूम लिए हैं, 1000 रुपये का। कब तक का है अपना, आज अभी चेक इन किए तो ये कल 10 बजे तक का चेक आउट, कल सुबह 10 बजे तक चेकआउट है। ठीक है, कल दस हाँ दस हाँ वीकेंड बाकी टाइम आएंगे आपको डिस्काउंट। चलिए ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं हम। खाने का भाई उसका शहनशाह है हिंदुस्तान, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तरफ। खुलदाबाद तालुका है, डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद। गेस्ट हाउस है नूरी गेस्ट हाउस, ये रोड का नाम है, ये रोड है मेन रोड बड़े कल्ली, ये है येरा गेस्ट हाउस। तो ये रोड जाता है दरगाह की तरफ। हजरत ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, इसके जस्ट अपोजिट में है शहनशाह हिंदुस्तान, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ। ख़त्मुल मशायख हज़रत ख्वाजा मखदूम सैयद शाह ज़ैनुद्दीन मौलाना दाऊद हुसैन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह।
और 22 ख्वाजा। सन पैदाइश 701 हिजरी, सन वफात 771 हिजरी। अनिल धनराज बहुत ज़्यादा रहेगा तो यह है अकबरी मस्जिद। इस तरफ है मज़ार शहनशाह हिंदुस्तान औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके रूहानी पीर मुर्शिद सैयद ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो ये मज़ार शरीफ है सुल्तान औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का, और ये जस्ट बाजू में ही मज़ार शरीफ है सैयद ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का। हाँ जमील भाई, क्या बता रहे थे आप मज़ार के? ये थी बनाने के एक बार दिल्ली के अंदर एक बुजुर्ग थे सरमद रहमतुल्लाह अलैह, मजदूर टाइप के थे, तो कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे कुछ नहीं है। औरंगज़ेब आलम के लिए रहमो वहाँ पे थे, उनको भी पता चला कि एक बुजुर्ग हैं तो ये कहते हैं, तो जो सैदना औरंगज़ेब आलम के लिए रहमो ने कहा लाओ उनको बुला के लेके आओ, क्योंकि ऐसा कहना कुफ्र है। और उस वक्त चूँकि सल्तनत इस्लामिया थी तो इस्लामी सल्तनत में कुफ्र की सज़ा कत्ल करना है, तो जामा मस्जिद के पास लाया गया। और सैदना औरंगज़ेब आलमगीर ने उनसे पूछा कि ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे क्या है, तो उन्होंने कहा ला इल्लल्लाह के आगे कुछ भी नहीं है। हुजूर औरंगज़ेब आलमगीर चूँकि शरीयत के बहुत पाबंद थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ला इल्लल्लाह के आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उन्होंने कहा नहीं, ला इल्लल्लाह के आगे कुछ नहीं है। और उन्होंने उनका उनको शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया जो सरमद अलैहिस्सलाम को। और उनकी उनको कत्ल करने के बाद ऐसा हुआ कि बहुत बेचैन नहीं थे, तो जैसे इतना औरंगज़ेब आलमगीर, तो उनकी मज़ार शरीफ भी हरे भरे जो वहाँ पे जामा मस्जिद के पास है, जो सरमद अलैह रहमा का मज़ार शरीफ वहीं पर। उसके बाद बहुत हमेशा जाते थे, बहुत बेचैन होते थे जैसे इतना औरंगज़ेब आलमगीर रहमा। तो जब एक बार वो दक्कन में आए, तो औरंगाबाद में फरीदाबाद में आए, तो जैसे इतना औरंगज़ेब आलमगीर रहमा जब हजरत की बारगाह में, उसे नासिर ज़ैनुद्दीन सिराजी भाई ख़ाजा की बारगाह में आए, तो आने के बाद अक्सर जो सैदना औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमत की एक आदत थी, जब वो जाते थे सलाम करते थे और माशाल्लाह सलाम का जवाब मिलता था। तो एक वली वो भी थे, अपने वक्त के मुजद्दिद भी थे, और मुजद्दिद जो होते अपने वक्त का वलियों का सरदार होते हैं। तो आने के बाद जो सैदना औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमत ने जब हजरत की बारगाह में आए, और बारगाह में आने के बाद बैठे थे हम कलाम हुए, तो उन्होंने अपने दिल की जो बेचैनी थी उनके बारे में हजरत को बताया,
तो फिर हजरत सैयदना ज़ैनुद्दीन सिराजी अलैहि रहमा ने उनके रूह को यहाँ पे बुलाया, अपनी बारगाह में बुलाया मुद्दस अहमद अलैहि रहमा को। फिर दोनों लोगों में बातें हुई, फिर एक दूसरे के हक को माफ़ किया गया। उसके बाद यहाँ उनको सुकून मिल गया सैयदना और इनसे आलमगीर को। और ये भी जानना चाहिए कि जो सैयदना और इन बहुत लोगों का ये कि जो सैयदना ज़ैनुद्दीन सिराजी इनके पीर हैं, तो जो सैयदना और इनसे आलमगीर और इनके सन विलादत तकरीबन 200 लगभग 250 या 300 का लगभग फासला है। तो जब ये मामला हुआ तो जो सैयदना और इनसे आलमगीर अपने उन्होंने जो सैयदना ज़ैनुद्दीन सिराजी अलैहि रहमा को अपना रूहानी पीर मान लिया और उन्होंने वसीयत की कि मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मेरा इंतकाल हो लेकिन मुझे अपने जो रूहानी पीर हैं उनकी बारगाह में ला कर उनके पहलू में ही उनके पहलू में दफन करना उनकी बारगाह के पास, लेकिन ऐसी जगह दफन करना कि जब बारिश हो तो उनकी कदमों का पानी जो है ना मेरे सर के पास है। और अगर आप वीडियो में देख सकते हैं जो सैयदना ज़ैनुद्दीन सिराजी अलैहि रहमा के सामने मज़ार शरीफ है, पहले बना हुआ नहीं था, उसके बाद थोड़ा सेटल लीजिए जो सैयदना ज़ैनुद्दीन आलमगीर का जो ये जो ग्रीन शेड में कवर है, तो अगर यहाँ से पानी अगर आप बहाएं ना तो जो सैयदना ज़ैनुद्दीन आलमगीर अलैहि रहमा के सर के पास जाएगा। तो ये होती थी रूहानियत और ये होती थी इश्क अपने पीर का एहतराम। हालाँकि वो रूहानी पीर थे, जो सैयदना ज़ैनुद्दीन आलमगीर के जो पीर थे सिलसिला नक्शबंदिया के थे, ख्वाजा बाकी जो मुजद्दीन अली फ़सानी सर हिंदी अलैहि रहमा के ख़ानदान से थे, तो वो उनके पीर थे, बाकी ये रूहानी पीर थे। और बुजुर्गों की आदत होती है और हमारी भी आदत होती है, किसी भी एक बुजुर्ग से जब अकीदत हो जाती है तो हम उसे अपना रूहानी पीर मान लेते हैं। और ये देखा जाए सैयदना ज़ैनुद्दीन आलमगीर अलैहि रहमतु रिज़वान का मज़ार शरीफ अभी तो बन गया है, हालाँकि 1981 से पहले कुछ बना हुआ नहीं था, पूरी ज़मीन थी और ज़मीन के साथ ही साथ कब्र शरीफ आपकी कच्ची थी। सोचिए वो वक्त का बादशाह जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 50 साल तक हुकूमत की, और आज जिसे इनके सारे का ये आलम था कि वसीयत में उन्होंने यही कहा था कि मेरी मज़ार को कच्ची बनाई जाए। और ये भी जान लेना चाहिए तारीख़ का अगर आप मुताला करें तो ये भी मालूम होगा कि हिंदुस्तान को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो सैयदना ज़ैनुद्दीन आलमगीर के दौर में ही हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा उस वक्त हिंदुस्तान जो है माशियात के तौर पर बहुत मजबूत था उस वक्त। और ये हमारे बुजुर्गाने दीन का यही असल कारनामा है कि जहाँ जहाँ आप गए इस्लाम की तबलीग उन्होंने किया, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र में गुजार दी, इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें यह इनाम दिया कि आज लोग उन्हें याद करते हैं। अगरचे लोग बहुत सारे लोग जो सैयदना ज़ैनुद्दीन आलमगीर के मुखालिफ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं मुखालिफत वाले लोगों से मुखालिफत बातिल हमेशा मुखालिफत वालों से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उनके ग़ुलाम हैं, उनके तारीफ़ करदा लोग हैं। और कितना भी हो, क्योंकि कुरान ने कहा कि हक आएगा, हक आया और वज़ाकल बातिल बातिल मिट गया, इंशाअल्लाह ताला ये भी होगा। सैयद ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के जस्ट पीछे ये जो है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फराहन शरीफ है। हर साल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर इसकी ज़ियारत कराई जाती है, जहाँ बारे रविवार शरीफ के दिन उससे सैयदना ज़ैनुद्दीन सिराजी अलैहि रहमा और जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर 11 तारीख को रात में यहाँ पे आप सल्लम का पहरा मुबारक शरीफ की ज़ियारत किया कराई जाती है। और वो पहरान शरीफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ में पहन कर गए थे, और ये दर नस्ल कही है या एक दूसरे जो आप सल्लम के बाद अली ख्वाजा हसन बसरी, उसके बाद बहुत सारे हमारे ख्वाजा उनके जरिए जो सैयदना ख्वाजा 22वें ख्वाजा तक ये यहाँ पर आए इमानत के तौर पर। यहीं पर सामने अगर देखेंगे तो गेट है, वहाँ पे जब सामने दरवाज़ा है अभी हम दिखाएँगे इंशाअल्लाह ताला, तो वहाँ पे पैरान मुबारक शरीफ रखा जाता है। और बारहवें वर्ष शरीफ यानी 11वीं दिन गुजरने के बाद बारिश में उसकी ज़ियारत की जाती है। यही वो जगह है, यही वो दरवाज़ा है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरान मुबारक शरीफ
रखा गया है। नहीं अंदर रखा। लेवल के दिन वहाँ रखा। नहीं अभी साल में एक ही दिन आई इधर उसी पड़ी। दुनिया में आए उन्होंने उनके पास में दो दिन रखे। उन्होंने हजरत अली को दिए, हसन बसरी को दिए, ऐसे होते हुए 16 नंबर तक पक्का मदीने में मोइनुद्दीन चिश्ती ने लेके आए। मोइनुद्दीन चिश्ती ने मक्का से लेके आए 17वें नंबर पे उनको मिला। फिर बख्तियार काकी मेहरुल शरीफ उनको मिला। फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ये पाकिस्तान में दिल्ली के निज़ामुद्दीन अवलिया को मिला 20 नंबर। 21 नंबर पे सामने दरगाह है बाबा बुरहानुद्दीन गरीब उनको मिला। 22 नंबर पे इनको मिला ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराजी चिश्ती उनको 22 ख्वाजा बोलते हैं। इन्होंने इसकी ज़ियारत 33 साल कराए। इसके बाद में इस कमरे में ये कमरे के अंदर एक लॉकर है उसमें चांदी की पेटी है, चांदी की चस्ती है, काज की पेटी में फोल्ड करके रखा है। 12 रबी अव्वल के दिन ये कमरा खुलते इसमें से पैरान शरीफ निकाल के सामने काज के बॉक्स में रख दिया। ये ग्राउंड से पब्लिक चलती हुई जो है तो 10 से 12 लाख पब्लिक आती है। सबको ज़ियारत होती है जरूर शरीफ पढ़ते हुए लोग ऐसा क्यों चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या खास मुस्तफ़ा का मुबारक है पैरान, महबूब किबरिया का मुबारक है पैरान, काबिल दरुद अदब किया ये मुकाम, नबियों के पेशवा का मुबारक। इसको 1445 साल हो रहे हुजूर से लेकर शहजाद आजम शाह के दर्जंग सराय जुजमी गुप्ता फारसी में लिखा हुआ है। मोहम्मद आजम का मज़ार शरीफ है। 3 मज़ार हैं यहाँ पे। एक पहन मगर उनके पास और उनके पास बसोली से गुजर और क्या बोले आप चलेंगे आदत पहन कर ले क्या बोले। अच्छा हाँ उनके पास पहन कर लेंगे गुजर सभी जो है कितने सारे उस आ